स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पॉडकास्ट कैसे स्टार्ट करना, क्योंकि इसके बारे में आपका सवाल आ रहा था बार बार और मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन अगर आप फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसका मतलब आई थिंक आपको समझ में नहीं आया है। तो दोस्तों देखिए, पॉडकास्ट स्टार्ट करना ईजी है, आपके पास अगर कोई बड़ा सेटअप नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। ये तो एक तरीके से एक्सक्यूज देना है कि मेरे पास माइक नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आपको स्टार्ट करना है स्टार्ट करिए, सिर्फ फ्री में स्टार्ट हो सकता है। क्या करना है, प्ले स्टोर पे या iOS स्टोर पे जाइए और एंकर FM डाउनलोड करिए। ओके, ये एक फ्री हॉस्टिंग सर्विस है। उसको डाउनलोड करने के बाद क्या करना है आपको, आपको उसमें साइनअप करना है, जैसे प्रोफाइल बनाते हैं उसी तरीके सिंपल है ना। उस पर साइनअप करने के बाद अपना एक अच्छा सा टाइटल चुनिए, एक मतलब जो जिस टॉपिक पे भी बात करना चाहते हो उस टॉपिक को चुनिए और बस अपने मोबाइल से ही स्टार्ट करिए ऐसे रिकॉर्ड करना पॉडकास्ट। उसमें आपको चेहरा तो दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको बोलना है इस तरीके से, तो ये तो कर ही सकते हो ना, इजी है। और इसके बाद क्या करना है, जब आपका पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो जाए आप उसी ऐप पे ही रिकॉर्ड करो ना, वहाँ प्लस बटन आती है ठीक, और फिर उसके बाद वहीं से उसको पब्लिश कर सकते हो। अब उसको करने से पहले आपको वहाँ पे एक अच्छा सा टाइटल रखना है उसका, जो भी जिस टॉपिक पे भी बात की है, और एक डिस्क्रिप्शन। उसमें डिस्क्रिप्शन इसलिए और टाइटल इसलिए क्योंकि अगर एक अच्छा टाइटल एक अच्छा डिस्क्रिप्शन होगा तो वो SEO का भी काम कर सकता है, थोड़ा बहुत रैंक करेगा। और अगर आप रैंडमली कोई टाइटल रख दोगे तो शायद सर्च में ना आए, है ना। तो इस तरीके से ये चीजें ध्यान रख के आप पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना चालू कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है और कि ईजी है। मैंने कैसे 92,000 के लिसनर कैसे गेन किए, तो इसका मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि ट्राई एंड टेस्ट करते रहिए, एक पर्टिकुलर चीज पे मत स्टिक रहिए, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक ट्राई करिए, हो सकता है कोई इसमें आपका अच्छा सा वायरल हो जाए और आपको लिसनर मिलने लगे। तो ये डिपेंड करता है आपको क्या करना है, आपको बस रिकॉर्ड करना, जितने ज्यादा कंटेंट आप डालोगे उतना ही ज्यादा चांस होगा उसमें से किसी एक के वायरल होने का, जैसा कि YouTube पे होता है, जैसे कि TikTok पे होता था, जैसा कि दूसरे अदर प्लेटफॉर्म पे होता है, रील हो या YouTube शॉर्ट हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो। तो कंटेंट को पुट करना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंटली कंटेंट डालोगे तो कुछ उम्मीद है कि देयर वुड बी समथिंग विच कैन हैपन। ओके, तो मतलब तभी होगा जब आप उस पर फोकस करोगे, सिर्फ ऐसे सिर्फ सोचोगे कि यार मेरा पॉडकास्ट अच्छा हो जाएगा अगर मैं ऐसा करूं, लेकिन उसको अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, कुछ चीज़ों को करोगे, कुछ को छोड़ दोगे, तो उतना रिजल्ट मत एक्सपेक्ट करो कि जो भी आप चाह रहे हो उसको आप आसानी से पालोगे। और अगर मैं बताऊं, मैंने 2019 में स्टार्ट किया था पॉडकास्ट और शुरुआत में मुझे कोई लिसनर में नहीं मिल रहे थे ज़्यादा, मतलब ऐसे एक दो मिलते थे जो मतलब शेयर करने से आते थे, लेकिन मुझे असली लिसनर तब चालू हुए मिलना जब 2020 में मैंने कंसिस्टेंटली डालना चालू किया पॉडकास्ट, तब थोड़े लिसनर मिले। और सबसे मेन चीज़ है पेशेंस रखना, क्योंकि टाइम लगता है इन चीज़ों में, ये एक दिन का गेम नहीं है ठीक। जैसे कि आप इसे यूट्यूब पे भी देखो तो ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और ज़्यादा लिसनर नहीं है, अगर वीडियो एक वायरल हो जाए तो काम हो सकता है एक ही वीडियो से, तो ये डिपेंड करता है ना। तो होप आपको वैल्यू मिली होगी, और अगर आप इस तरीके की और वैल्यू चाहिए, टिप्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, तो प्लीज को सब्सक्राइब करो इस चैनल को। और इन फ्यूचर आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने इन 3 साल में सीखा है पॉडकास्टिंग से रिलेटेड, और किस तरीके से 92K लिसनर जो कि ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ठीक, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। और आपको भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करोगे। सो मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।